बड़ा साफ खुरचली में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों मोहब्बत की आग जितनी जल्दी फैलती है उतनी जल्दी घर तबाह करती है। ऐसा ही कुछ हुआ है डॉक्टर अमर लियाकत के साथ। लियाकत और दानिया शाह की अलहदगी की खबर तो सुनी होगी, लेकिन जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे शायद आप वाकफ नहीं होंगे। उससे पहले आप ये ऑडियो सुने। यार ये वही प्लान है, मैं नहीं मिल रही, बस मेरी हिम्मत नहीं है, कैंसिल करो, मैं नहीं मिल रही। यार ये तो 3 करोड़ पूरे करता और इतनी बहरी इतनी, भाई मैं नहीं कर रही कैंसिल करूँ कोई और शो, मैं कोई और जगह चली जाऊँ, मैं यहाँ नहीं ठहरती। ये बिल्कुल वही है, मेरे शक बिल्कुल सही था इनके पास, अब मैंने दोबारा कभी नहीं आना। प्लीज़ ये कैंसिल करो, मैंने कहीं और जाना है, यहाँ पर मैं नहीं रह रही। यार काम है यार, मैं या तो मुझे घर छोड़ दूँगी बोल यार, पता नहीं क्या थी इसमें। ठीक है यार, वो बार बार मुझे फोर्स कर रहे हैं पर मैं नहीं कर सकती। सो तुम्हें पता है ना कि मेरी तबीयत कैसी है, सो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए फिर, ये तो मेरी वो नहीं करने आएंगे ना। सो बस तुम ठीक है भेज लो, जल्दी पहुँच दो बस। नहीं मैं गेस्ट हाउस में बैठी हूँ, जो दूसरे नहीं आए थे फिर 7 में उधर बैठे हूँ। अब देखो अगर वही क्लाइंट हुआ जो मुझे 2 बार मिला था, 1 बार उससे लड़ाई, तो मैं नहीं करूँगी, पहले बोल दूँ तुम्हें मैं। वो बहुत सख्त भी है और टाइट भी बहुत है, तो मैं नहीं करूँगी। अगर कोई और क्लाइंट होगा तो मैं रुक जाऊँगी, सही है ना? और ज़्यादा फोर्स करने नहीं, मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करना। ओके यार ले चुका है वो अब दूसरा आ गया, वो बोल रहा है मैंने करना, मैं क्या करूँ बताओ यार, मुझे आने नहीं दे रहे, क्या करूँ मैं, खुद ऊपर आ जाओ। यार चले ठीक है, मैं करके अभी आई। यार मैं उनको बोल देती हूँ 1 बजे की बात हुई है, ये दूसरा करेगा मैं उसको बोल दूंगी कि हाँ ठीक है 1 बजे की बात हुई थी मेरी, इससे ज्यादा मैं भी नहीं रुकने वाली, बोल दूं तुम्हें पहले मैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने ऑडियो सुनी और अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें दानिया शाह ने क्या कहा है। वो नशे करता था और गंदी गंदी बातें करता था, नौकरों के सामने इज्जत भी नहीं करता था, अभी उसने इंस्टा पे इतनी गंदी बात लिखी है। इतनी गंदी बात उसने लिखी है ना, फिर मैं गलत औरत थी तो मुझे याद ही क्यों की थी उसने। बहुत ज्यादा धमकी दे रहे, 2-3 बार मारा भी है, गला भी दबाया उसने मेरा। मैं उससे कुछ नहीं लेना चाहती थी, ना मुझे फेम की जरूरत है, लड़की को इज्जत की जरूरत होती है। मैंने सिर्फ उसे इज्जत मांगी है, मुझे मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरे खुला हो जाए, मेरे डिवोर्स हो जाए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, आगे वो कितनी गंदी बातें करेगा। मेरे पास सब प्रूफ है, वक्त पे मैं दिखाऊंगी, सारे प्रूफ है मेरे पास। मैं कोई सुलह नहीं करना चाहती, मुझे नहीं करनी, जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है मैं उसके साथ क्यों सुलह करूँ। जो अपनी बीवी को कह रहा है इतनी गंदी बात कह रहा है, आप सब इंस्टा पे तो जाके देखें। जी फ्रेंड्स, आपने ऑडियो सुनी और वीडियो भी देखी। दानिया शाह ने कोर्ट से रुजू किया है खुला लेने के लिए। तो दोनों के बीच अलहदगी की जंग हो चुकी है। दानिया शाह और अमर लियाकत एक दूसरे पर इज्जत के वार कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि दानिया शाह ने ये कहा था कि अमर लियाकत नशे में धुत होकर नौकरों के सामने बेइज्जती करता है और उसके सामने नाजेबा वीडियो बनाता है और आयस का नशा करता है, जिसके जवाब में अमर लियाकत ने यह कि दानिया शाह का करेक्टर खराब है, वो किसी और शख्स के साथ रातें गुजारती थी जिससे मैंने खुद बिस्तर पर पकड़ा, और उसने और अमर लियाकत ने उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर। ताज़ा अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।